डिफरेंट लगाना चाहिए, तो कलर चेंज करना चाहिए। तो आप क्या करो कि ये जो विंडो दिख रही है ना, ये वाली अंदर वाली लाइनें दिख रही है आप, वैसे ये वाली नहीं लेनी आपको, इसको अनसेलेक्ट करते हैं। ये जो विंडो दिख रही है इनको सेलेक्ट कर लो, जो जो विंडो है ना उन सबको सेलेक्ट कर लो। और आप इसमें कमांड कौन सी लगाएंगे, सी एच पी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, सी एच पी कमांड लगा देते हैं हम, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करके इसमें आपको देखोगे एक सबसे पहले कलर ऑप्शन आता है, कलर ऑप्शन आता है। हाँ मैं दो तरीके से करके बता सकता हूँ, एक तो एक ही को करूँ, एक का कलर चेंज कर दूँ सी एच पी, बाकी मैच कर दूँ सी एच पी सी एंटर कलर। कलर जहाँ मान लो कि आपको ग्रीन ब्लू जो भी रखना है वो रख सकते हो। मान लो मैंने 100 का कोड लिखा, कलर चेंज हो गया ग्रीन वाला, ठीक है। अब इसको मैं एम ए कर दूंगा, क्या करूंगा, एम ए मैच प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो आप, इस तरीके से सिलेक्शन बनाओ। देखो ग्रीन हो रही है, उसको भी करनी है, उसको भी करनी है, इसको भी करनी है, ठीक है। बट ये पूरी लाइन यहाँ पर ग्रीन हो गई, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से स्ट्रेच इतना कर दें, मतलब खींच ले, फिर यहाँ से लाइन नहीं ड्रॉ करें, फिर इसको आप एम ए करेंगे, मैच प्रॉपर्टी कमांड लगा कर एम ए कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करवानी है वापस, इसको वापस वाइट करना आपको, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से डोर भी ले सकते हैं, डोर को सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो ये डोर का है ना ब्लॉक है, तो आप कमांड लगाएंगे बीई ब्लॉक एडिट, ब्लॉक को एडिट करना, बीई कमांड लगाई, डोर इंपीरियल नाम से ब्लॉक नाम है हमारा, इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये एडिटिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा, एडिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। सेलेक्ट कर लीजिए, इसको कर देंगे एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर हो गया। सेलेक्ट करा वापस, कमांड लगाएंगे सी एच पी चेंज प्रॉपर्टी, कलर पे गए, कलर मैंने मान लो इसका दे दिया ब्लू, और यहां से कर देंगे ब्लॉक क्लोज द ब्लॉक एडिटर सेव द चेंज, ये चेंज हो गया, बट इसमें ये है ना कलर चेंज हो, बाकी वाला वाई नहीं, क्योंकि अभी ब्लॉक ही है। तो आपको इसको इसकी प्रॉपर्टी से भी चेंज कर सकते हैं, यहां से डिवाइड डिफॉल्ट ये हो रखा है, ठीक है, तो यहां से तो कर ही सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन और आता है। आप इसके ऊपर लेयर कौन सी आ रही है, लेयर जीरो आ रही है, लेयर जीरो आ रही है, तो हम इसका लेयर से भी कर सकते हैं। भाई जी बोले अभी रहने देते हैं, कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है, रहने देते हैं। हिडन लाइन आ रही है, आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, हिडन लाइन का भी सी एच पी में जाकर के कलर पे गए, कलर में मैं यहाँ पर कलर बुक ओपन कर देता हूँ, कलर बुक में नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मान लो सियान लिख दिया, एंटर एंटर, इस तरीके से कलर बुक से नहीं हुआ तो फिर आप प्रॉपर्टी कमांड से भी कर सकते हो। पी आर लगाया, यहां पर गए, यहां पर सियान कलर लिख, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर टेक्स्ट लिखने हैं, डायमेंशन लिखने के लिए कौन सी कमांड यूज करेंगे आप, डी आई बोले डी आई एच करेंगे। चलो एक बार सेटिंग्स करते हैं, पहले मैं मेन चीज सेटिंग्स टाइम वो आपको जाना पड़ेगा, डिम स्टाइल मैनेजर मॉडिफाई में जाएंगे हम, मॉडिफाई वगैरह मेरे को क्या करना है, फालतू में क्या माता पिता करूँ, मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँ, ठीक है, एक नई क्रिएट कर लेता हूँ मैं, मैंने मान लो एक नाम आयुष नाम से एक नई बना दी, मैंने नई मैं खुद ही कंटिन्यू मेरा डायमेंशन स्टाइल कंटिन्यू बना देता हूँ नहीं। अब इसमें सबसे पहले लाइन आता है, अगर आपको डायमेंशन लाइन का भी कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो रहना देते हैं, क्यों चेंज करना, भी हम चलते हैं सिंबल एंड एरो, यहाँ से मैं ले लूंगा आर्किटेक्ट वाला, ये आर्किटेक्ट वाला, फिर मैं चलता हूँ टेक्स्ट के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि एरो की साइज अभी छोटी है, बड़ी चाहिए, तो फिर आप यहाँ वैल्यू डालोगे, मान लो मैंने एरो की साइज एक कर दी, टेक्स्ट में गया, टेक्स्ट यहाँ से सही है सही है, टेक्स्ट की हाइट भी चेंज कर दूँ, यहाँ मैं कर दूंगा 1.5, क्योंकि एरो से थोड़ा बड़ा होता है टेक्स्ट, ठीक है। बाकी इसमें एक और कर सकते हैं, अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर सकते हैं, प्राइमरी यूनिट में आपने वहां पर कौन सी यूनिट ले रखी है,
वहां पे अगर आपने आर्किटेक्चर ले रखी है तो यहाँ पे आर्किटेक्चर हिल नहीं होगी, आर्किटेक्ट वाली जो हिल होती है ना वही लेनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग ली तो इंजीनियरिंग ही लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना है ना। मैं वहां पे इंजीनियरिंग ली तो इंजीनियरिंग लूंगा, रजिस्ट्रेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सेट कर सकते हो, मैं यहाँ तक रखता हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ। फिर मैंने इसको ओके किया, सेट करंट किया एंड क्लोज कर दिया। अब मैं डायमेंशन लूंगा, कमांड लगाएंगे, डिम लगा सकते हैं। अब डायमेंशन लाइन अभी भी छोटी आ रही, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। डी में जाओ, इस वाली डायमेंशन लाइन आई, इस वाली को सेट करंट तो किया था हमने, बट हमने एक चीज करना भूल गए, टेक्स्ट में जाकर के अलाइन में डायमेंशन करी थी, ये अब वो आ रहा है। मैं इसमें सेंटर ले लूँ और टेक्स्ट की हाइट अभी बढ़ानी पड़ेगी मेरी। मैं यहाँ पे रख देता हूँ 4 3, ओके, सेट करंट, डेट मीन क्लोज। अब मैं डायमेंशन डीएलआई से करूं, डीएलआई होता है ना, डीएलआई डायमेंशन लाइनर, दिख रहा अब? ठीक है, 26 फीट 3 इंच ऐसे हैं। और अगर मान लो तो इसमें ना ये बियॉन्ड लाइन होती है, इसको बोलते हैं बियॉन्ड लाइन, एक्सटेंशन बियॉन्ड लाइन, इसको बढ़ा सकते हैं। डी में जाकर ही बढ़ाएंगे आप, मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाएंगे, लाइन, लाइन में ऑप्शन दिख रहा है आपको 1.25 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, सेट ओके किया, सेट करंट कर दिया, दैट मीन क्लोज कर दिया, थोड़ी सी ऊपर निकली है और निकाल सकते हो आप, इसको बोलते हैं एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन। और ये होता है ऑफसेट ओरिजिन, यहाँ से कितना गेप रखना है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। सारा मेजरमेंट जो चेंज करते हैं हम डी से कर लेते हैं सारा ही, एक बार आपने चेंज कर दिया तो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मॉडिफाई में जाकर के ये टेक्स्ट 5 कर देता हूँ, सिंबल एरो 3 रहने देते हैं, यहाँ पे गए ये मैं एक्सटेंड बियॉन्ड लाइन को 4 कर दूँ। ऑफसेट ओरिजिन में अगर लेता हूँ, मान लो मैंने कर दिया पॉइंट 10 कर, ज्यादा नहीं, ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, लेट मी क्लोज कर दो, ओके। पॉइंट 10 से तो पास में आ गई थी, और आप बीच में गड़बड़ा भी सकते हो, ये सीधा सारा मेजरमेंट वगैरह मॉडिफाई में जाकर ही होता है ना। ऑफसेट ओरिजिन कम बता रहा है, मैं यहाँ पे 2 करूँ, सेट करंट करूँ एंड क्लोज करूँ, अब गेप आगे करो, ये आपकी हो गई। इसी तरीके ये वाला डायमेंशन करनी पड़ेगी आपको डीएलआई, बत्तीस फीट 9 इंच चाहिए। ठीक है, हम देखो मैं इसकी 2 कॉपी कर लेता हूँ, एक में तो सिर्फ मैं ओरिजिनल डायमेंशन दिखाऊंगा, एक में फिर हम फर्नीचर वगैरह भी दिखा सकते। अब मेरे को वॉल की थिकनेस दिखानी, तो डीएलआई से ही दिखाएंगे आप। वॉल की थिकनेस दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर आपको ये वाली डायमेंशन दिखानी है तो ये भी दिखा दो, हम हर एक चीज दिखाएंगे। मैंने यहां से डायमेंशन करा, इस वाली डायमेंशन थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, अभी यही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे। डीएलआई लगा दिया अब मैंने, सॉरी अब लगाएंगे डीसीओ, ये 5 फीट 1 इंच कैसा है, 5 फीट यार, 5 फीट 1 इंच नहीं रहेगी, तीन पॉइंट पांच को जा रहा है, ये सही है, ये वाला होगा 1.5 जा रहा है। अभी टैक्स अभी बढ़े हैं इसमें, ऊपर वाले तो सही है, नीचे वाले बड़े हैं, मोटिफाई में सारा मेजरमेंट होगा हमारा। टैक्स की साइज में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैंने कर दिया मान लो यहाँ पर 3 कर देता हूँ, ओके, सेट करंट एंड क्लोज, अब पास पास आ जाएगी। अब ये अभी भी लग रहा है ना आपको, इसके ऊपर आ रहा है, अब यहाँ ले लो इसके ऊपर, ठीक है, समझ आया?
यहाँ पर भी डायमेंशन सही दिखा रहा, चेंज करना नहीं हमको। अब मेरे को ये वाली वॉल थिकनेस दिखानी, तो DLI से कर दूंगा सारा मेजरमेंट। 6 इंच का गेप ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पर वापस DCO लगाएंगे। यहां से आपको DLI लगाना पड़ेगा, DLI डायमेंशन ऑफ लाइनर, यहां रखा आप DCO लगा दो। DCO ठीक है, इसी तरीके से हर एक डायमेंशन होगी। देखो और डायमेंशन मैं करूंगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो डायमेंशन सारी आप करके लेना। मैं टेक्स्ट लिखना बताता हूँ, टेक्स्ट जो लिखेंगे हम कमांड लगाएंगे MT, MT मल्टी टेक्स्ट, इससे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप क्या करो, कमांड लगाओ DT, DT से करते हैं पहले एक बार, है ना, DT से करेंगे। हाइट फैक्टर कर दिया मैंने, एंटर एंटर करा, मैंने यहाँ पे लिखा बेडरूम, सब कैपिटल लेटर होने चाहिए। ठीक है, बट ये लाइन अभी बहुत छोटे टैक्स आ रहे हैं, प्लस फॉन्ट भी सही नहीं है, तो आपको ST लगाना पड़ेगा, ST टैक्स स्टाइल, ST होता है टैक्स स्टाइल। यहाँ पर हमारे जो फॉन्ट चल रही है वो भी थोड़ी सही नहीं दिख रही है मेरे को, मैं यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज करूंगा। आप चेक करके देख लेना कौन सी कैसी है, मेरे को पता नहीं कौन सी क्या डायमेंशन रहेगी, अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी फॉन्ट कैसी है। ये ठीक रख ली है, रेगुलर निकल बोल्ड कर दूं मैं, बोल्ड डिटेल ही कर दिया। टेक्स्ट की हाइट आप पहले मैक्स खुद अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, सेट करके क्लोज कर दिया। अब ये सही नहीं है, डिलीट करता हूँ मैं, वापस लिखना पड़ेगा। DT लगाया, DT टैक्स की हाइट इतनी रख देता हूँ, एंटर, बेडरूम क्लिक। अब इसको आप स्केल थोड़ा सा स्केल कर दो, और बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा सा हम स्केलिंग कर देंगे, और इसमें एडिट करना, डबल क्लिक करोगे एडिटिंग हो जाएगी। एंटर करता हूँ, पर एंटर करता हूँ कि एक सिर्फ बेडरूम ही लिखा गया, तो हम DT का यूज नहीं करके हम एक कमांड लगा सकते हैं MT। DT और MT में डिफरेंस होता है, DT का हम एडिट करेंगे तो वो पूरा एडिटिंग होगी नहीं, या तो पूरा नया टेक्स्ट लिखो, नहीं तो MT कमांड लगाते हैं। MT में आपको डिफॉल्ट ही आप चेंज वगैरह कर सकते हो, मैंने यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ बेडरूम, बेडरूम लिखा, कितने बाई कितने का ये, 10 फीट बाई 11.5, उसने सर 10 बाई 11 का है, 10 फीट का सिंबल, फिर डेस, फिर 0 इंच, 0 इंच लगाना है ना, इंटू 11 फीट, डेस 0 इंच। फिर आप यहां से फॉन्ट अभी भी चेंज कर सकते हैं हमें ना, वो मतलब टैक्स को सेलेक्ट कर लेना, फॉन्ट में जाओगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब मैं यहां से सेंटर कर देता हूँ, ओके कर दूं, अगर आपको अभी बड़ी लग रही है ना तो थोड़ी सी टैक्स की हाइट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। 1 फीट आ रहा है, यहां मैं कर दूंगा मान लो 6 इंच, अब ठीक है काम हो जाएगा।
अब जो जो चीज आपको करनी है इसको कॉपी करते जाओ, यहां से एफ एट बंद कर देना है ना, एफ एट बंद ही रखना है इसके अंदर। ये बेडरूम हो गया, यहाँ पे किचन आएगा, नाम चेंज कर देंगे ना, एडिटिंग हो जाएगी ये। फिर हम लॉबी के अंदर जाते हैं, लॉबी में यहाँ बना देते हैं, और ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, और ये हमारा वेरेंडा बोलते हैं ना वो वाला हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन लिख देता हूँ वैसे। ओपन 13 फीट 9 इंच इंटू 4 फीट 6 इंच, ऐसे हम इसको वापस एडिट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, फिर आपको अगर स्टेयर्स के अंदर यहाँ को एरो वगैरह बनाने हैं तो आप लाइन से बनाने पड़ेंगे। इसको मिरर कर दो आप, हो गया यहां से। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बता दूं, सारा हो जाएगा प्लान, ये हो जाएगा। टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं, डायमेंशन वगैरह लिखनी है, कोशिश हो सके तो अपने थोड़ा अच्छा ही क्रिएट करना है। फिर आपको फर्नीचर वगैरह लाने हैं ना तो Ctrl 3 से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दो मतलब लगभग लगभग कुछ कार वगैरह मिल जाएगी, थोड़े बहुत ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। अगर यहाँ से भी नहीं मिले ना तो फिर आपको Ctrl+2 दबाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिजाइन सेंटर। बेड वगैरह, चेयर सब मिल जाएगा, किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह सब बना सकते हैं हम। जैसे कि ये मेरा किचन है, किचन का जो लगेगा वो 2 फीट का होता है, मार्केट बोलते हैं उसको, कैबिनेट जो ऊपर सेल्फ लगती है ना वो पत्थर वाली, 2 फीट की होती है, 24 इंच। आप एल शेप में बना सकते हैं, नहीं सिंगल रो किचन बना सकते हैं, एक भवन मतलब एक साइड दीवार वाला। आप चाहो जैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको इधर आपको मतलब आप चाहो तो इधर आप किचन बना सकते हैं, किचन का गैस स्टोव ला सकते हैं, बाहर से मिल जाएंगे, और लगभग इसमें कुछ मिलेंगे और फिर आपको मिल जाएंगे, नहीं तो बना भी सकते हो, ज्यादा कुछ हार्ड चीज नहीं है। 2 सर्कल लेने हैं, साइड में लाइन लगानी है और बना दे रहे हैं, बना सकते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो मिल तो जाएंगे। क्रोम पे लिखोगे ना आप कि ऑटो कैड गेट ब्लॉक तो सब मिल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे क्रोम पे जाकर के सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपको हर एक चीज का मिलेगा, गेट के ब्लॉक वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है, फर्नीचर के, किचन के तो किचन के मिल जाएंगे, किचन के डोर के वगैरह सब मिल जाएंगे, आपको जो सही लगे वो यहाँ से लेकर यूज कर लेना है। वैसे मेरे पास तो मैं ऑलरेडी मेरा अवेलेबल है तो मैं तो वो यूज कर लूंगा, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे।